बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव हूँ, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। हम आज यहाँ पर कक्षा 12वीं के कार्बनिक रसायन की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान के तीन भाग, भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की आरंभन के लिए आप अपनी पुस्तक के दूसरे भाग को देखेंगे तो अध्याय 10 पर हम चलते हैं और इस बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे कि हम इस कार्बनिक रसायन के उन मूलभूत अवधारणाओं को और बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12वीं के भाग 2 कार्बनिक रसायन का 10वां अध्याय हेलो एल्केन तथा हेलो एलीन। इसमें हम जानेंगे कि वास्तव में हेलो एल्केन और हेलो एलीन की IUPAC नामकरण की विधियां क्या होंगी, उनका वर्गीकरण क्या होगा और तत्पश्चात हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में इनके नामकरण की प्रक्रिया कितनी मान्य है। जैसा कि हम जानते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि हेलोजन परमाणु आता है तो उन्हें एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन यौगिक कहा जाता है, अर्थात ये एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कक्षा 11वीं में हमने अध्ययन किया हुआ है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में जो सूत्र होता है CnH2n+2, वह एक हाइड्रोजन को या अंतिम कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को एक्स या हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं, जो कि हेलोजन व्युत्पन्न भी कहे जाएंगे। अतः इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 एक्स हो जाता है, जहां पर एक्स का अभिप्राय हेलोजन परमाणु से है, जो इंगित करता है इस बात को कि वह परमाणु फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है, अर्थात हेलोजन अर्थात सत्रहवें समूह के तत्वों में से कोई एक की पुष्टि की जा सकती है। हम परिचय की बात करें तो जब एलिफेटिक यौगिक अर्थात एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आता है, अभिप्राय क्या है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतिम कार्बन का एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हेलोजन परमाणु को जोड़ा जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। परंतु इसी प्रकार जब कभी हम देखते हैं एरोमेटिक अर्थात बेंजीन, जिसका सामान्य सूत्र C6H6 होता है या CnHn होता है, तो हम ये जानेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से भी एक किसी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं, जिन्हें एरोमेटिक एरोमेटिक हेलो कंपाउंड भी या यौगिक भी कहते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो जब कभी एलिफेटिक यौगिक अर्थात एल्केन में से कोई हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आता है तो उन्हें हेलो एल्किन कहा गया, और इसी प्रकार एरोमेटिक हेलो यौगिकों में से हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन को प्रतिस्थापित किया तो उन्हें हेलो एरीन कहा गया। हम देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि जब कभी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, अर्थात वहां पर संकरण sp3 संकरण होता है, उसी प्रकार जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है तो वहां संकरण sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। यदि हम वर्गीकरण के इस चित्र को देखें, इस रेखाचित्र को देखें, तो आप ये पाएंगे कि sp3 संकरित कार्बन के आधार पर हमारे एल्केन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संख्या के आधार पर, जिसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार जब कभी किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन परमाणु की व्याख्या की जाती है तो उसे एरिलिक हैलाइड कहते हैं, और जब कभी किसी बेंजीन के नाभिक से जुड़े हुए CH2 समूह से प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इस प्रकार के हैलाइड को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं, जिसकी हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसमें CH2X अर्थात कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसमें CHX अर्थात कार्बन से प्रत्यक्ष रूप में 2 अन्य कार्बन और 1 हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार
तृतीयक या टर्शियरी एल्किल हैलाइड, जिसमें तृतीयक कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है और कार्बन से अन्य तीन कार्बन परमाणु युक्त मूलक जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड का प्रश्न है, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में द्विबंध युक्त कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड या संकरित अवस्था में है और उसमें प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो प्राप्त होने वाला यौगिक एलिलिक हैलाइड कहलाता है। बेंजिलिक हैलाइड से अभिप्राय अभिप्राय उस यौगिक से है कि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन जो कि sp3 संकरित अवस्था में होते हैं और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से कार्बन जुड़ा होता है, जिसकी विस्तार से हम चर्चा एक के बाद एक करेंगे। ठीक इसी प्रकार जब कभी कार्बन कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें हम sp2 संकरित अवस्था में व्यक्त करते हैं, जो एरोमेटिक के साथ साथ एलिफेटिक में भी पाया जाता है और उन्हें हम विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कहते हैं, जिसकी विस्तार से चर्चा आगे की गई है। सबसे पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में दिए हुए चित्र के अनुसार ये देखने पर तात्पर्य स्पष्ट होता है कि जब कभी एल्केन में केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, केवल एक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया हुआ हो, तो उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जबकि एल्केन के दो भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात दो भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को दो भिन्न भिन्न हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त अणु प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि हम अगली श्रेणी में देखें तो तृतीय प्रकार का, जिसे हम टर्शरी हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, तृतीय भी कह सकते हैं, तो आप ये जानेंगे कि एक कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए तीन निरंतर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को पृथक पृथक रूप से हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे दिए गए तीन संरचनाओं पर हम गौर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब बेंजीन की एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, इसे हम मोनो हेलो एरीन कहते हैं, अर्थात मोनो मीन्स एक, हेलो मतलब हेलोजन, एरीन मतलब एरोमेटिक या वलय युक्त कार्बनिक यौगिक। जब कभी दो भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को दो हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उन्हें हम डाई हेलो एरीन कहते हैं। चूंकि यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला एकल और द्विबंध द्वारा चक्रीय रूप में न्यूनतम 6 कार्बन से जुड़ी होती है तो इन्हें हम एरीन के नाम से पुकारते हैं। अगली संरचना में आप देख पा रहे हैं कि क्रमशः 1, 2 और 3 अर्थात पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्रमशः 1, 1 और 1 अर्थात अलग अलग हाइड्रोजन को एक्स अर्थात हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो प्राप्त होने वाली संरचना को हम ट्राई हेलो एरीन के नाम से जानते हैं। अतः वर्गीकरण की अगली श्रेणी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बन डैश एक्स अर्थात कार्बन और हेलोजन आबंध युक्त यौगिकों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसका पहला प्रकार है हेलो एल्केन, इसका सामान्य सूत्र आर बॉन्ड एक्स होता है। एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है और यह एक नियमित सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं, जिसे CnH2n+1X के द्वारा दर्शाया जा सकता है और क्रमशः कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने से अगले कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जो सजातीय श्रेणी को व्यक्त करती है, जैसा कि अगली स्लाइड में दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन परमाणु से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से X, जब कार्बन परमाणु से दो एल्किल मूलक और एक X और तीसरी अवस्था में कार्बन परमाणु से तीन एल्किल मूलक और X जुड़ा हो तो क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में रखे जाते हैं।
प्रथम कार्बन में CH2 जो प्राथमिक कार्बन कहलाता है, द्वितीयक हेलो एल्केन में CH जो द्वितीयक कार्बन परमाणु कहलाता है, और तीसरी संरचना में हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन से जुड़े हुए तीनों अन्य कार्बन और हेलोजन परमाणु की व्यवस्था को तृतीयक कहा जाता है। तो प्राथमिक CH2 कार्बन को कहा गया, द्वितीयक CH कार्बन को कहा गया, जबकि तृतीयक की अवस्था में कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन ना जुड़ते हुए समस्त एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह जुड़े होते हैं, साथ ही हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। अगले वर्गीकरण की अवस्था में देखते हैं कि एलिलिक हैलाइड। इस पर चर्चा करेंगे कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध अर्थात सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे दो कार्बन परमाणु जिनके मध्य द्विबंध पाया जाता है, के समीपवर्ती अर्थात इसके बाद वाले, समीपवर्ती मतलब इसके पास वाले sp3 संकरित कार्बन। sp3 संकरित कार्बन से अभिप्राय है कि कार्बन परमाणु की ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्बन अन्य परमाणु से अपनी चारों दिशाओं में एक टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, उससे आबंधित होता है, जैसा कि इस संरचना में देखने को मिलता है। आप यहां देख पा रहे हैं, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तक के कुछ उदाहरणों को लेकर भी चलें, तो आप यह पाएंगे कि आप उस पुस्तक से अधिक जुड़ पाएंगे, इस चीज़ों की इन अवधारणाओं को समझ पाएंगे। पहले उदाहरण में दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। कहने का अभिप्राय यह है कि इस तीन कार्बन के यौगिक में अन्य दो कार्बन द्विबंध द्वारा sp2 संकरित कक्षक या sp2 संकरित अवस्था में है, जबकि अन्य सिरे वाला या अंतिम छोर वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड या संकरित अवस्था में है, जिसमें कार्बन एक अन्य कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ और चौथी संयोजकताओं को हेलोजन परमाणु अर्थात एक्स के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। नामकरण की IUPAC प्रक्रिया में हम इसका विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। यदि आप दूसरी संरचना देखते हैं तो यहाँ पर गिनती की गई है, समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो CH2 है वह पहला कार्बन की गिनती की जा रही है। दूसरे कार्बन के लिए जब हमने देखा कि द्विबंध युक्त कार्बन दूसरा कार्बन कहलाता है, फिर तीसरा कार्बन जिससे चारों ओर कार्बन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित है, निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, और इसी तीसरे कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस संरचना से प्रकट होता है। और हमारे नामकरण की प्रक्रिया में इस प्रकार से व्यक्त करने का एक अन्य तरीका होता है, जिसे हम रेखा चित्र प्रदर्शन भी कहते हैं। तीसरी संरचना में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कार्बन से जुड़ी हुई एक चक्रीय संरचना 6 कार्बन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पहले और दूसरे कार्बन के बीच में द्विबंध है जो sp2 संकरित अवस्था में है, जबकि इसके प्रथम कार्बन की अवस्था जिसमें कार्बन sp3 संकरित कक्षक में है, संकरित अवस्था में पाया गया, इससे कार्बन जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है वह प्रत्यक्ष कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है, जबकि उससे नजदीक या निकटवर्ती अन्य कार्बन द्विबंध द्वारा संलग्न हो सकते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में हमें एक और उदाहरण देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड। इस प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय अर्थात चक्रीय वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। यहाँ पर अभिप्राय आप इस बात से स्पष्ट कर पाएंगे कि जब कभी पहली अवस्था में आपको देखने को मिल रहा है कि चक्रीय संरचना बेंजीन की बनी हुई है, दूसरे कार्बन से एक CH2 समूह जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन sp3 संकरित अवस्था में प्रकट हो रहा है। इस कार्बन से जुड़े हुए हैं हेलोजन परमाणु को यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन के चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस संरचना में हम दूसरा स्वरूप देखें कि यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु को दो एल्किल समूहों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वहां पर RCH3 को R-CH3 को, अर्थात R- जो है वो एक प्रकार के CH3 को, और R डबल डैश
जो दूसरे प्रकार के CH3 को व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने द्वितीयक में और CH3 अर्थात मिथाइल समूह को तृतीयक में माना है। वर्गीकरण के दूसरे भाग पर हम देखेंगे कि जब कभी कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा आपस में आबंधित है और कार्बन यहाँ पर sp2 संकरित अवस्था में जुड़ता है तो उसका प्रथम प्रकार है विनाइलिक हैलाइड। इस प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध, शब्दों पर गौर कीजिएगा, कार्बन कार्बन द्विक आबंध, कहने का अभिप्राय यह है कि कार्बन और कार्बन अर्थात दो कार्बन आपस में परस्पर द्विबंध अर्थात दो संयोजकताओं को लेकर डबल बॉन्ड या द्विबंध के द्वारा जब जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के कार्बन की अवस्था को sp2 संकरित अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर sp2 संकरित अवस्था कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, जैसा कि अगली संरचना में दिखाई दे रहा है। विनाइलिक हैलाइड की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कार्बन की चौथी संयोजकता हेलोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कक्षा 11वीं में आपने बहुलक के बारे में, कक्षा 10वीं में आपने बहुलक के बारे में समझा है, तो विगत कक्षा 10वीं और 11वीं की कक्षा में आपने विनाइल क्लोराइड का जाप नाम और संरचना देखी थी, तो वह संरचना से इसको आप को रिलेट करने की कोशिश करें, इसको आप जोड़ने की कोशिश करें, CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL। ठीक उसी प्रकार से इस संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है कि CH2 द्विबंध कार्बन यहाँ पर विलुप्त अवस्था में या छुपी हुई अवस्था में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन है जो प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो जब संरचना को हम CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X के रूप में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार के यौगिकों को विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। यहीं पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की भांति हम हेलोजन को भी प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो एरोमेटिक में भी कार्बन परमाणु जो प्रत्यक्ष रूप से द्विबंध द्वारा sp2 संकरित अवस्था में है, प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिसे वर्गीकरण का विनाइलिक हैलाइड रूप कहा जाता है। वर्गीकरण के अगले भाग में एरिल हैलाइड, इस प्रकार के यौगिक में हेलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जैसा कि इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है। जब कभी sp2 कार्बन से जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु की व्याख्या की जाती है तो बेंजीन नाभिक से एक कार्बन प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन परमाणु से, और दूसरी अवस्था में टालुइन की हम उदाहरण लें तो दूसरी उदाहरण में भी हम देखने को मिलता है कि कार्बन परमाणु प्रत्यक्ष रूप से हेलोजन से बना हुआ है। यहाँ पर सी बॉन्ड एक्स अर्थात सी बंद हेलोजन बॉन्ड की व्याख्या की जा रही है। इस प्रकार हमने जाना कि हेलोजन परमाणु से जुड़ने की अवस्था के आधार पर हम हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को कितने वर्गों या कितने भागों में बांट सकते हैं। आइए हम इस अध्याय के दूसरे भाग पर चलते हैं। इसके दूसरे भाग की व्याख्या करने से पहले मैं आपको पुनः पूर्व कक्षाओं की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे हम IUPAC अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं व्यवहारिक संघ के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा नाम पद्धति के विभिन्न नियमों और रूपरेखाओं के आधार पर हम उनकी पुष्टि करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। तो हम ये देखें कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नामकरण के लिए सर्वप्रथम एल्किल हैलाइडों के नाम को व्युत्पित करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड लिखा जाता है, जैसा कि इस संरचना में दिखाई दिया है कि CH3Cl अर्थात CH3 यहाँ पर मिथाइल को एल्किल समूह को प्रदर्शित कर रहा है और Cl क्लोराइड को, तो अंतिम रूप में मिथाइल क्लोराइड के रूप में साधारण नाम लिखा जाता है जो IUPAC में क्लोरोमेथेन होता है। आप अपनी पुस्तक के विभिन्न प्रकार के नामकरण की विधियों को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि आप इनका अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ कि तीसरी संरचना आप देखें CH3CH2CH2I।
कार्बन परमाणुओं की संख्या तीन है। तीन कार्बन परमाणुओं के लिए प्रोपेन कहा जाता है और जब हाइड्रोजन स्थापित कर दिया जाता है तो हम उसको प्रोपिल कहते हैं और यहाँ पर आई को हेलाइड के फॉर्म में आयोडाइड कहा जाता है। तो नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड इस प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है। अतः नामकरण की IUPAC पद्धति में एल्किल हेलाइड का नामकरण हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। IUPAC नाम पद्धति में इस बात को भी गौर किया जाता है कि जब कभी बेंजीन के व्युत्पन्नों की बात होती है तो एक हेलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और IUPAC नाम एक जैसे ही होते हैं। डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो जिसे ओ से, मेटा जिसे छोटे एम से तथा पेरा जिसे छोटे पी पूर्व लग्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप इस संरचना में देख पा रहे हैं, ये आपकी पुस्तक के इस अध्याय के कुछ भागों में दिया हुआ है कि IUPAC नामकरण के लिए इस पद्धति से हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के नामकरण की विधि क्या होगी। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। CH3, CH2, CH2Br, अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या तीन है और आखिरी में Br लगा हुआ है, तो सामान्य नाम में इसे एन प्रोपिल ब्रोमाइड कहा जाता है, जबकि IUPAC नाम की पद्धति में हेलो एल्केन अर्थात पहले हेलोजन परमाणु का और उसके पश्चात एल्केन के कार्बन परमाणुओं की संख्या की व्याख्या की जाती है। चूंकि कार्बन प्रथम से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अतः प्रथम कार्बन को यहाँ एक या वन तथा Br को ब्रोमो के रूप में और तीन कार्बन को प्रोपेन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, अतः इसका नाम होगा वन ब्रोमो प्रोपेन या एक ब्रोमो प्रोपेन, जैसा कि हम कक्षा 11वीं में कुछ सीखे थे। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर मध्यवर्ती कार्बन से एक क्लोराइड समूह जुड़ा हुआ है। सीधी श्रृंखला में जब हम कार्बन का अंकन करते हैं तो हम चाहे लेफ्ट से करें या राइट से, बाएं से करें या दाएं से, कार्बन परमाणुओं की संख्या केवल तीन है, किंतु द्वितीय कार्बन पर क्लोराइड परमाणु जुड़ा होने के कारण यहाँ पर दो कार्बन परमाणु की स्थिति क्लोरो हेलोजन परमाणु को तथा प्रोपेन तीन कार्बन परमाणु को व्यक्त कर रहा है, अतः नाम हो जाता है 2-chloro-propane। एक और उदाहरण हम देखते हैं जिसमें हम पाते हैं कि हमारी मुख्य श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी CH3 समूह भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है। तो आप देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL और यहीं पर दूसरे कार्बन से CH3 पुनः जुड़ा होता है। तो आप ये पाएंगे कि कार्बन परमाणु की नंबरिंग या अंकन करते समय हमें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेते समय इस बात की पुष्टि करनी होती है कि हमारा प्रतिस्थापी अर्थात हमारा क्रियात्मक समूह किस ओर से निकटवर्ती है, नज़दीक है, पास है। तो हम पाएंगे CH2 में प्रथम कार्बन जिससे क्लोराइड जुड़ा हुआ है, इसे हम न्यूनतम अंक एक देते हैं, फिर दूसरे कार्बन को दो और तीसरे कार्बन को तीन देते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दूसरे कार्बन एक्स पर एक CH3 समूह जिसे हम मिथाइल कहते हैं और प्रथम कार्बन पर CL अर्थात क्लोरो हेलो परमाणु की व्याख्या की जाएगी। तो नामकरण की इस प्रक्रिया के इस पद्धति के आधार पर हम इसे नाम देंगे 1-chloro-2-methyl-propane। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जब हम एरोमेटिक या चक्रीय या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण की व्याख्या करते हैं तो हम सामान्य नाम में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, बेंजीन नाभिक से कार्बन ब्रोमाइड परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम Br अर्थात ब्रोमोबेंजीन, यदि दो हो तो पहला और तीसरा डाई ब्रोमोबेंजीन और तीसरे में 1-3-5 अर्थात सिन ट्राई ब्रोमोबेंजीन कहा जाता है। और हम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि आपकी पाठ्यपुस्तक के आधार पर आप अन्य यौगिकों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अतः हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमने अपने इस अध्यापन भाग में हेलो एल्केन और हेलो एरीन को जानने की कोशिश की और अभ्यास के लिए आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करने का कोशिश करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन
में अंतर लिखिए। दूसरे आधार पर हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की संरचना आपकी पाठ्य पुस्तक के लिए सहयोगी हो जाएगी। अंतिम रूप में पाठ्य पुस्तक 10.1 में दिए गए यौगिकों की संरचनाएं और उन पर आधारित नामकरण की व्याख्या कर सकेंगे। यह अध्याय जैसा कि हम जानते हैं 4 अंकों का है और इस प्रकार से ही आपको 4 नंबर का एक प्रश्न प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।